जींद की सब्जी मंडी में कोरोना के समय हटाए गए बाशाखोर अब मंडी के आरतीयों को सुसाइड करने की धमकी देने लगे हैं। बाशाखोरों की हरकतों से तंग आकर आरतीयों ने डीसी आदित्य दहिया से मिलकर मामले को हल करने की मांग की और जींद की सब्जी मंडी आरती एसोसिएशन के प्रधान अवतार कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सब्जी मंडी के फुटकर दुकानदार और बाशाखोर पिछले 3-4 महीने से बेरोजगार, वो प्रशासन से अपने रोजगार को शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मंडी में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए अब उन्हें दुकानदारी शुरू करने की परमिशन नहीं मिली है, जिसके चलते फुटकर दुकानदार और बाशाखोर अब उन्हें सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं। आज डीसी साहब में हम एक सब्जी मंडी की एक दिक्कत क्या है कि सब्जी मंडी में बाशाखोर उठाए गए थे जब महामारी कोरोना चली थी, तो उसके चलते हुए प्रशासन ने खुद उनको उठवाया था। अब वो जो बाशाखोर है तरह तरह के हमारे ऊपर दबाव बना के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें एसोसिएशन को दिक्कत नहीं है, बाशाखोर चाहें प्रशासन चाहे तो बिठाने को हमें कोई परेशानी नहीं बिठा सकते हैं, परंतु जो शर्तें हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब के रखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए और कुछ हमारे मार्केटिंग बोर्ड के नियम और कानून होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए कभी चाहे तो बिठा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु बाशाखोर हमें पर दबाव बना रहे हैं, आत्महत्या जैसी गलत हरकतें का हमको धमकाया जा रहा है कि हम आत्महत्या करेंगे। पिछले कई दो दिन पहले भी ऐसा एक बाशाखोर ने किया। हम आज प्रशासन से ये मिलने इसलिए आए हैं ताकि कोई भी बाशाखोर आगे से ऐसा करता है तो सब्जी मंडी एसोसिएशन के ऊपर कोई जिम्मेवारी ना डाली जाए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अगर ये बाशाखोर गलत हरकत करते हैं तो इनके विरुद्ध केस दर्ज किया जाए ताकि ये भयभीत होकर अपना व्यापार कर सकें। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं इसके बारे में कार्रवाई करवाएं ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मामले को लेकर डीसी आदित्य दहिया ने बताया कि सब्जी मंडी के आरतीयों ने उनसे मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने फुटकर दुकानदारों को रोजगार शुरू कर देने की मांग की। डीसी ने बताया कि इस बारे में मार्केट कमेटी के सचिव को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, साथ ही बाशाखोरों और फुटकर दुकानदारों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार से गाइडलाइन मांगी गई है। आज उपायुक्त कार्यालय में नई सब्जी मंडी जींद के आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी हमसे मिले हैं। इसी प्रकार कुछ दिन पहले SHO साहब, बाशाखोरों के भी प्रतिनिधि सभी मिले थे। ये मामला बाशाखोरों को नई सब्जी मंडी जींद में बैठने की जगह देने को से संबंधित है। इसमें सरकार की हिदायत अनुसार मंडी बोर्ड पूरी तरह सक्षम है कि कहां पर किसको बिठाना है, जिसके लिए पूरे राज्य में एक समानांतर पॉलिसी बनी हुई। मैंने तुरंत सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जींद को भी निर्देश दे दिए हैं और मंडी बोर्ड में भी आग्रह कर लिया है कि जल्द से जल्द इसमें वो हमें बैठने की उचित व्यवस्था का निर्देश देंगे। जो भी निर्देश मंडी बोर्ड का प्राप्त होगा उसी प्रकार जिला प्रशासन पूरी मदद करके आड़ती भाइयों की और बाशाखोरों भाइयों की इनको सही तरीके से बिठाने में मदद करेगा। अपने स्तर पर प्रशासन या पुलिस इसमें कोई दखल नहीं देगी, जो मंडी बोर्ड की पॉलिसी होगी सबके लिए बराबर रूप से की जाए। मैं सभी हमारे जींद के भाइयों से, बाशाखोरों भाइयों से, आड़ती भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यह मामला मंडी बोर्ड और सरकार की क्षमता का है, अपने हाथ में आप कानून ना लें। कृपया मंडी बोर्ड के सभी अधिकारियों का सहयोग करें। जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर तरह से भाइयों की मदद करे। बता दें कि रोजगार नहीं होने के कारण सब्जी मंडी के फुटकर दुकानदार और बाशाखोर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसी के चलते 2-3 दिन पहले एक बाशाखोर मंडी में लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी देने लगा। ऐसे में अब मंडी में फिर से काम शुरू नहीं करने देने पर वो आड़तियों को धमकी दे रही हैं, जिसके चलते आड़तियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। खैर, अब देखना होगा कि जब अनलॉक 2 में ज्यादातर कारोबारियों को काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है तो फिर सरकार इन फुटकर दुकानदारों को लेकर क्या फैसला लेती है। भारत 9 के लिए जींद से अनिल कुमार की रिपोर्ट।